हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर जीके क्लास। टुडे वी विल डू पेज नंबर 7, पार्ट ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, दैट इज़ नो योर जीज। इट मीन्स एवरी वर्ड विल स्टार्ट विद जी एंड यू हैव टू कंप्लीट द वर्ड। हिंट्स आर गिवन ओवर देयर। जी इज़ अ ग्रेट लेटर टू डिस्क्राइब पीपल एंड देयर क्वालिटीज। न्यूमरस एडजेक्टिव स्टार्टिंग विद जी आर यूज इन आर conversation as well as writing. Choose and write the words starting with G next to their given meanings. जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपका जो word है वो G से शुरू होगा। First one is a cunning person. Cunning person मतलब चालाक आदमी, that is guile, G-U-I-L-E, guile. Very bad tempered, जो तुनक मिजाज होता है, जल्दी से react करता है, that is grumpy, G-R-U-M-P-Y. लाउड और गाउडी, दैट इज भड़कीला, सो बोलते हैं गैरिश, GARISH, गैरिश। फोर्थ इज वेरी ब्रेव, बहादुर, गैलेंट, GALLANT. नेक्स्ट इज ग्रीडी फॉर फूड, जो बहुत पेटू होता है, बहुत खाता है, दैट इज ग्लटन, GLUTTON. ट्रू और ओरिजिनल, दैट इज जेन्युइन, GENUINE, genuine, सचमुच में। Very easily taken in or fooled, that is gullible, जिसे जल्दी से आप मूर्ख बना सकते हैं, GULLIBLE. Really social or outgoing, जो बहुत मिलनसार होता है, that is gregarious, GREGARIOUS. थैंकफुल और अप्रिशिएटिव, इट्स ग्रेटफुल, हम जब किसी के आभारी होते हैं, ग्रेटफुल, GRATEFUL. सीरियस और हार्श, इट इस जो कठोर होता है, ग्रिम, GRIM, ग्रिम. नाउ मूव ऑन पेज नंबर 8, बॉडी लैंग्वेज. आवर बॉडी इज़ वेरी इफेक्टिव मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. फीलिंग्स, इमोशंस एंड रिएक्शंस आर एग्जिबिटेड टू क्रिएट impressions. Some of them are listed below. Read them and write the correct expression against each from the help books given. The first one is done for you. हमारी body language, हमारे आँखों के expression से, हमारे हाव भाव से बहुत कुछ सामने आ जाता है. तो यहाँ पर दिया हुआ है, first one is very attractive, that is eye catching. नेक्स्ट इज़ टू वॉच केयरफुली, जो बड़े ध्यान से देखता है. टू कीप एन आई ऑन, नीचे दिए हुए हैं वर्ड्स, आप वहाँ पर नंबरिंग कर सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं. टू कीप एन आई ऑन, फुली ऑक्यूपाइड बाय समथिंग, अप टू वंस आईज, किसी के द्वारा पूरी तरह से ऑक्यूपाई होना, दैट इज अप टू वंस आई. टू बी एबल टू एंजॉय एंड अप्रिशिएट म्यूजिक, म्यूजिक को एंजॉय करना और उसे अप्रिशिएट करना, दैट इज टू हैव एन ईयर फोर, टू हैव एन ईयर फोर. टू वर्क विद डेडिकेशन, निष्ठा से काम करना. बड़े टू पुट हार्ट एंड सोल, दिल लगा के जिसे कहते हैं काम करना, टू पुट हार्ट एंड सोल. समथिंग समवन वेरी मच लव्ड, बहुत ज़्यादा प्यार करना किसी चीज़ से. आफ्टर वंस हर्ट, आफ्टर वंस हर्ट, आफ्टर वंस हर्ट. टू इंटरफियर इनटू अदर्स अफेयर्स, किसी के काम में टांग अड़ाना, दैट इज टू पोक वंस नोज, टू पोक वंस नोज. नंबर 8, टू टीज और मेक फन ऑफ, मजाक उड़ाना, किसी की टांग खींचना. टू पुल समवंस लेग, टू पुल समवंस लेग.
टू बी इन अ स्टेट ऑफ शॉक, मौन रहना या संकोच करना, दैट इज टंग टाइट, कुछ ना बोलना, शांत रहना. लास्ट इज टू बी गुड एट ग्रोइंग प्लांट्स, टू हैव ग्रीन फिंगर्स, मतलब प्लांट्स गार्डनिंग करने में जो अच्छा हो. पेज नंबर 9, दैट इज प्रीफिक्स एंड सफिक्स, शुरू में लगाने हैं वर्ड्स और लास्ट में लगाने हैं. एन एडिशन टू द बिगनिंग ऑफ ए वर्ड इज नोन एज अ प्रीफिक्स, जब हम स्टार्टिंग में ऐड करते हैं वर्ड को, दैट इज प्रीफिक्स, और जब द एंड वर्ड विच इज अटैच टू अ रूट विच इज वर्ड इज नोन एज सफिक्स. चूज एंड राइट अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स बिफोर द गिवन वर्ड्स. फर्स्ट इज लिटरेट, लॉजिकल, लीगल, इन सब से पहले लग जाएगा IL, illiterate, illogical, illegal, IL. Second is DI, divide, dioxide, divorce. Third is unreal, unspoken, unwanted. Fourth is trans, TRANS, transport, transfer, translate. Fifth, extend, exit, एग्जाम्पल, ई एक्स लग जाएगा. एंड सिक्स्थ वन इज प्रीपोन, प्रीवेंट, प्रिपेयर, प्रीपोन, प्रीवेंट, प्रिपेयर, PRE लग जाएगा. नीचे हेल्प बॉक्स भी दिए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग ही फिल करना है. नेक्स्ट बी पार्ट है, उसमें हमें लास्ट में लगाना है. नीचे हेल्प बॉक्स दिए हुए हैं. फर्स्ट में लगेगा TION, डिक्शन, डिवोशन, पोशन. सेकंड में लगेगा AL, नेचुरल, नॉर्मल, फॉर्मल. थर्ड में लगेगा FUL, थॉटफुल, टैक्टफुल, फ्राइटफुल. फ्राइटफुल मतलब डरना. फोर्थ इज NESS लगेगा, स्लीपलेसनेस, जिसे नींद ना आना, रेस्टलेसनेस, केयरलेसनेस, लापरवाही. फिफ्थ वन EN लगेगा, लाइटन, स्मूदन, फास्टन. एंड द लास्ट इज LESS लगेगा, पारलेस, सेंसलेस, टेस्टलेस. दिस इज ऑल अबाउट योर पेज नंबर 9. वी हैव कंप्लीटेड अप टू पेज नंबर 9. नेक्स्ट वी विल डू नेक्स्ट वीक. टिल देन यू टेक केयर एंड डू दिस वर्क ऑन योर नोटबुक एंड रिवाइज इट. Slowly, slowly. Thank you very much.